वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इनसाइट्स और मैं हूं आपकी मेज़बान जोरिया रसा। कराची में बढ़ रहा है अपार्टमेंट्स का जो गुलिस्ताने जौहर जाएं, नॉर्थ नाज़माबाद जाएं या फिर हम चले जाएं स्कीम 33। हर जगह नए अपार्टमेंट्स उभर रहे हैं, बिल्डर्स अपने नए प्रोजेक्ट्स बना रहे हैं, लेकिन हम इस सवाल पे जरूर आएंगे कि इन अपार्टमेंट्स का आखिर फायदा क्या है, क्यों बनाए जाते हैं ये अपार्टमेंट्स। आज हम बात करेंगे उन 5 अहम रीजंस पे जिसके बिना पे अपार्टमेंट्स इतने अहम हैं और साथ साथ आपको देते चलेंगे बहुत से अच्छे ऑप्शंस। अच्छे ऑप्शंस जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखिए। अगर हम बात करें एक विला की और बात करें अपार्टमेंट की, दोनों की कीमतों में अच्छा खासा फर्क नजर आता है। किस तरह से आता है ये फर्क? अपार्टमेंट एक छोटे से एरिया में एक अच्छा खासा जिसे कहते हैं रकबा कवर कर जाते हैं और वहाँ पे काफ़ी फैमिलीज अकोमोडेट होती है। ज़मीन का एक छोटा सा टुकड़ा तकरीबन 7 से 8 फैमिलीज को एक गिफ्ट में कवर कर सकता है। अगर हम बात करें नए बनने वाले अपार्टमेंट्स की, तो स्कीम 33 में आ रहा है एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट जिसका नाम है रेनबो ट्विन टावर्स। यहाँ आपको मिले 2 बेड और 3 बेड अपार्टमेंट्स जो कि आपके लिए होंगे बेहद मुफीद। अपार्टमेंट्स को मेंटेन करना है निहायत आसान। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको तरह तरह की अमेनिटीज मिलती हैं जो कि आपका बिल्डर या डेवलपर कवर कर रहा होता है। इसी के साथ साथ हम बात करें जिला एवेन्यू पे बनने वाले एक नए अपार्टमेंट प्रोजेक्ट की जिसका नाम है एथिन हाइट्स। ये बन रहा है बहरिया टाउन कराची में, जहाँ पे आप पे कर सकते हैं आसान इंस्टॉलमेंट्स और आपको मिलेंगे वेस्ट ओपन और जिला एवेन्यू फेसिंग अपार्टमेंट्स। अगर हम बात करें एक विला की, तो वहाँ पे अपनी सेफ्टी को बरकरार रखना मुश्किल है, लेकिन अगर बात करें अपार्टमेंट्स की, तो वहाँ पे आपको गार्ड, सीसीटीवी कैमरास, ये तमाम चीज़ें अपने मेंटेनेंस के साथ साथ होती हैं। इसी के साथ साथ आपके लिए आसान हो जाता है कि आप अपनी अपार्टमेंट को फुली फर्निश तौर पे, जिसे कहते हैं, सिक्योर कर सकें। लोगों का एक कॉन्सेप्ट बन गया था कि बड़े बड़े घर ले लेते थे लेकिन उन्हें मेंटेन करना मुश्किल हो जाता था। कराची की खास तौर पे अगर हम बात करें, तो यहाँ पे ज़्यादातर आबादी है वर्किंग क्लास की। अब वर्किंग क्लास की आबादी जो है वो सुबह से लेकर शाम तक घर से बाहर रहती है, काम करती है और घर आने के बाद एक बड़े से आलीशान से घर को सजा के रखने का कोई पॉइंट नज़र नहीं आता। इसलिए अपार्टमेंट्स छोटी फैमिलीज, न्यूक्लियर फैमिलीज के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। अपार्टमेंट्स में एक बहुत अहम चीज़ आपको ये मिलती है कि एक मिनिमल डाउन पेमेंट होती है, मिनिमल इंस्टॉलमेंट्स होती हैं एज कम्पेयर टू होम्स या फिर विलास। तो इस तरह से ये चीज़ आपके लिए मज़ीद आसान हो जाती है। अब जैसे कि हमारी वीडियो पहुंच गई है एंड पे, हम आपको मज़ीद देते चले कुछ ऑप्शंस। अगर आप जाना चाहते हैं बहरिया टाउन की तरफ, तो बहरिया टाउन में बन रहे हैं मेन जिला एवेन्यू पे एक्यू हाइट्स, जहाँ आपको मिले 2 बेड की 2 कैटेगरीज एंड देन 3 बेडरूम अपार्टमेंट्स जो कि आपके लिए होंगे बेहद मुफीद। इसके अलावा हम बात करें स्कीम 33 में बनने वाले रेनबो ट्विन टावर्स की। इन रेनबो ट्विन टावर्स में आपको मिल रहे हैं ऐसे अपार्टमेंट्स जो कि बिल्कुल मेन रोड पे अवेलेबल हैं और आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। लेकिन अगर आप इनका पेमेंट प्लान जानना चाहते हैं, बुकिंग स्केड्यूल, एलोकेशन, रजिस्ट्रेशन, टोटल इंस्टॉलमेंट्स, डाउन पेमेंट, तो मेरे नंबर पे अभी रابطہ कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह।